कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत णमो अर्हन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो अज्ञायाणम् णमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान आतम बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में महावीर के संदेश में। देखिए सायंकालीन स्वाध्याय में सत्ता स्वरूप ग्रंथ के आधार से हम आप लोगों ने प्रारंभिक कई प्रमेयों की चर्चा के बाद पंडित भागचंद जी साहब ने ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित जो विषय लिखा है जितनी गहराई से उन्होंने उस विषय को लिखा है उसको उतनी ही गहराई से हम आप लोग समझने के प्रयत्न करेंगे। बहुत गंभीर बहुत प्रयोजनभूत अपने अज्ञान का ज्ञान होवे अपने मोह का निर्मूल अभाव होवे राग द्वेष कषाय भावों का खात्मा होवे परम विशुद्ध वीतराग परिणति प्रकट होवे और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होवे इस हेतु से यह सारा विषय सारा प्रकरण बहुत बहुत गहराई से हम आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप लोग सभी जानते हैं छड़ाला के अंतर्गत जो दूसरी ढाल है उस दूसरी ढाल में खास करके अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा वहाँ पंडित दौलत राम जी ने की है। उस विषय से तो हम आप लोग चिर परिचित हैं अच्छी तरह से जानते हैं कितनी गहराई से वहाँ उस विषय को पंडित जी ने लिखा हुआ है। सातों तत्वों संबंधी अग्रहित मिथ्यात्व का विवेचन तो किया ही है लेकिन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी कुधर्म संबंधी जो धर्म की मान्यता है जगत के जीवों को उस मान्यता का निराकरण भी उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व से संबंधित प्रकरण में बहुत बारीकाई से बहुत गहराई से वहाँ किया है छड़ाला की दूसरी ढाल के अंतर्गत। ठीक वैसे ही पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक के अंतर्गत खास करके पूरा का पूरा पांचवा अध्याय तो अन्य मति से संबंधित ही है
और उसके बाद छठा अध्याय जो लिखा है कुगुरु कुधर्म कुदेव कुगुरु और कुधर्म का निराकरण, ये छठवा अध्याय है। उस छठे अध्याय में जग जाहिर जो जगत प्रसिद्ध ग्रहित मिथ्यात्व है उसका सारा विवेचन आया। तो उस अध्याय के अंत में टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर प्रेरणा हम आप लोगों को दी है, मैं उस प्रेरणा को यहाँ अभी पढ़ के बताता हूँ, आप शांति से सुनिए। यदि मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ आप लोगों के पास होवे तो आप छठे अध्याय का अंतिम अंश जो है, अंतिम प्रकरण जो है, उसको देख सकते हैं। उससे आपको उस विषय की गहराई समझ में आएगी और उस विषय की महिमा आपके दिलो दिमाग में ज़रूर आएगी। देखिए यहाँ लिखा है पेज नंबर गुजराती में जो है मेरे पास पीडीएफ फाइल, ओरिजिनल ग्रंथ में भी आप लोग देख सकते हैं 197 नंबर का पेज है जो गुजराती में है, अथवा हिंदी में यदि है पीडीएफ हो चाहे हार्ड बुक हो हार्ड कॉपी हो तो आप छठे अध्याय का अंत का ही पैराग्राफ देख सकते हैं। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। क्या कहा? अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से तो धर्म है। क्या कहा? गुजराती में ऐसा लिखा है अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ छे, एना आधारे तो धर्म छे। बोलो सच्चे देव गुरु और धर्म यही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनके आधार से ही तो धर्म है। तेमा शिथिलता राखे, उनमें यदि शिथिलता रखे तो अन्य धर्म केवी रीते था। अन्य धर्म से मतलब मोक्ष मार्ग, साधक दशा, निर्वाण की प्राप्ति, ये सब धर्म की दशा कैसे हो सकती है? तेथी घणु शू कहू। क्या कहा? तेथी घणु शू कहू सर्वथा प्रकारे, जो भाववाची शब्द छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ते संदर्भ में भाववाची शब्द छे सर्वथा प्रकारे, एले हर प्रकारे बधीज रीते ये कुदेव कुगुरु अने कुधर्मना त्यागी थवु योग्य छे। क्या कहा? कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्यागी होना चाहिए। कुदेव आदिकनो त्याग न करवाथी, जो आग्रहित मिथ्यात्व नी बात, कुदेव आदिकनो त्याग न करवाथी मिथ्यात्व भाव पुष्ट थाय छे। आ टोडरमल जी साहब ना आ बदा अंशो तो आम टंकोत्कीर्ण करवा जेवा छे, ટાંકીથી ઉકેરવા જેવા છે। ભનુબેન તમારા ઓલા ભરતકામની જેમ ટાંકીથી ઉતારવા જેવા છે। આમ દરેક અધ્યાયમાં કંઈક આવું અદ્ભુત ચિંતન આપણને જોવા મળે। કુદેવાદીનો ત્યાગ ન કરવાથી એટલે ગ્રહિત મિથ્યાત્વને નહીં છોડવાથી શું થાય? મિથ્યાત્વ ભાવ ઘણો પુષ્ટ થાય છે। घणो एटले अनंत काल सुधी भवनो अभाव नहीं थाय, एनो नाम घणो। हाँ मिथ्यात्व भाव एटले अग्रहित मिथ्यात्व, सात तत्व संबंधी जे भूल रूप जे अग्रहित मिथ्यात्व छे ते अग्रहित मिथ्यात्व घणो पुष्ट थाय छे। अने आ काल मा अही तेनी प्रवृत्ति विशेष जोवामा आवे छे। वाह, આ પણ જો ભવિષ્યવાણી 400 વર્ષ પહેલા કરી, આ કાળમાં એટલે આ હુંડાવ સર્પિણી પંચમ કાળમાં બરોબર પ્રવૃત્તિ વિશેષ જોવા મળે છે। ક્યા ગજબ કી બાત હૈ, હા? ચંદ્રગુપ્ત કે સપને મે, ભરત કે સપને મે ભૂત નાચ રહે હૈ ચારો તરફ, ભૂતડા નાચે છે, ભૂતડા તો એ ભૂત બધા ચારે બાજુએ નાચે છે। ये बदा ग्रहित मिथ्यात्वनो बदो साम्राज्य। श्रावण महीनो आवे एटले पर्व बदा चालू थई जाए, हवे नाम तो हूँ शू लू,
બધા ઉજવીને જ બેઠા છીએ. અહીં મારી વાત કરું છું. હા, બધા જ ઉજવીને આપણે બેઠા છીએ. વિચાર તો કરો, કોઈ એક સોમવાર ન હોય, કાળી 14 અને ભીમ 11 અને દુનિયાભરના બધા. હા, આમ તો જીનવાણીની સામે બોલવું ન જોઈએ, મિચ્છામિ દુક્કડમ, પણ દુનિયામાં તાંડવ થાય છે ને આનું. હા, શીતલાનું સાતમ સાંભળ્યું? શીતલા સાતમ, ગણેશ ચતુર્થી, હા, ઓલી કઈ આવે, સંકષ્ટી, 14 સંકષ્ટી. મારી માં તો તે દિવસે પાણી નહીં પીવે, સંકષ્ટી એટલે 14ના દિવસે, દર મહિનાના 2 14 મોઢામાં પાણીનું ટીપું નહીં નાખે. વિચાર તો કરો, કેવો અજ્ઞાન છે, તત્વની દ્રષ્ટિ નથી. અને ગમે તેટલો વ્રત સંયમ આદિ હોય, બધું બાળ તપ અને બાળ વ્રત છે. માટે અહીં તેના નિરૂપણ નિષેધ રૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. તેને જાણી મિથ્યાત્, હા, એ નાગપંચમી બરાબર છે, તેને જાણી મિથ્યાત્ ભાવ છોડી પોતાનું કલ્યાણ કરો. વાહ, શું કીધું છેલ્લો વાક્ય, શું કીધું, કેટલું સરસ. હા, ઉસે જાનકર મિથ્યાત્વ ભાવ કો છોડો, છોડકર અપના કલ્યાણ કરો. અપના કરના હો કલ્યાણ, સાચે ગુરવર કી પહેચાન. અપના જો કલ્યાણ કરના હોવે તો સચ્ચે ગુરુ, નિર્ગ્રંથ દિગંબર સંત, ગુરુ ભગવંત કા જ્ઞાન હોના, ઉનકી પહેચાન હોના બહોત બહોત જરૂરી હૈ. યે મેં આપકો ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કે બેકગ્રાઉન્ડ કે લીએ મેને આપકો સુનાયા યે વિષય, એટલે આમાંથી તમને રિફ્લેક્શન થાશે કે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કેટલું ભયંકર છે. કેમ કે અગ્રહિત મિથ્યાત્વને એ પુષ્ટ કરે ને, માટે એટલે અગ્રહિત મિથ્યાત્વને પોષક સામગ્રી પૂરી પાડે, એના અર્થમાં ગ્રહિત મિથ્યાત્વની વાત આપણે વાંચીએ છીએ. વાત સમજમાં આ રહી સભી કો? બમ્બઈ વાલો કો ગુજરાતી સમજાય છે? હા હા પંડિતજી, થોડા થોડા સમજમાં આતી હૈ, ક્યા કરે, હમકો તો બિલકુલ નહીં આતી થી, ફિર ભી બાબા ગુજરાતી બોલતે બોલતે આમ ગુજરાતી હો ગયે. હા, તો ગુજરાતી બોલના. હા, ચલો, એસી સુંદર સુંદર ગહેરી ચર્ચા યહાં હૈ. હા, હવે મોક્ષના પ્રકાશકમાં પાનું 224 કાઢી રાખજો બધા, 224 પેજ. ઇસમે મેં આપકો ये व्यवहाराभासी की जो बाह्य प्रवृत्ति है, अज्ञान से भरी हुई बाह्य प्रवृत्ति क्रिया के रूप में, और मानता है वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा, तो मैंने कहा भी था 2 दिन पहले, ये जैनियों का ग्रहित मिथ्यात्व है. हाँ, अन्य की तो बात छूट गई, लेकिन वीतरागी जिनेन्द्र भगवंत के दरबार में आने के बाद भी कोई अज्ञान नहीं छूटता है. उसमें आया था ना प्रश्न, भी आया था सत्ता स्वरूप में भी आया था ना, क्या आया था कि अन्य लोग तो रागी द्वेषी को पूजते हैं इसलिए उनका ग्रहित मिथ्यात्व है, हम तो वीत रागी को पूजते हैं इसलिए हम में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है. पंडित जी ने क्या कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म बुद्धि उनको भी नहीं है, धर्म बुद्धि तुझे भी नहीं है, इसलिए तू पक्का ग्रहित मिथ्यात्वी है. हाँ, चलो, निकाला आप लोगों ने, थोड़ा समय पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा आज. हाँ, तो फिर आगे अपन सत्ता स्वरूप में से विषय को लेंगे. देखो, व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, तो वो याद रखना, इस प्रकरण को समझना. व्यवहाराभासी को लिया मतलब व्यवहार की क्रियाओं में धर्म की मान्यता करके बैठा हुआ जी. अब वो नाना प्रकार की क्रियाएं करता है. देखो क्या लिखा है, हवे तेमने धर्मनु साधन केवु होइचे ते अहीं विशेष दर्शाविए छे.
क्या लिखा देखो, जे जीवो कुल प्रवृत्ति वड़े, माँ बाप की परंपरा कुल परंपरा से देखा देखी लोभाधिकना अभिप्राय पूर्वक, जो एमा कशायनी गुत्थियों केवी छे, लो देखा देखी, देखा देखी એટલે બીજાઓ કરે છે ને તો આપણે ન રહેવું જોઈએ. હા, દેખા દેખી લોભાદિક ના, લોભાદિક એટલે લોભ ભય આશા સ્નેહ પક્ષ એ બધા લેવાના, લોભાદિક ના અભિપ્રાય પૂર્વક ધર્મ સાધન કરે છે તેમને તો ધર્મ દ્રષ્ટિ જ નથી. શું કીધું? उनको तो धर्म दृष्टि ही नहीं है. अहमदाबाद प्रवासी भाषा समझाई छे, तेमने तो धर्म दृष्टि ज नथी, कारण के तेवो जो भक्ति करे छे, सांभळजो बधाय, आ वात आपड़ा ऊपर पण लागू पड़े छे. आना पछीनी जे बे त्रण लीटी छे आपड़ा ऊपर बहु परफेक्ट लागू पड़े छे. પોતપોતાની છાતીએ હાથ મૂકીને આપણે વિચારવાનું અને ભૂલ જો થતી હોય તો સહજ ભાવે કબૂલ કરવાનું. મિચ્છામિ દુક્કડમ કહેવામાં કોઈ ઈગો હર્ટ નહીં થાય, ઉલટાનું સન્માન વધે, જ્ઞાન વધે, સન્માન વધે. ભૂલ જે સ્વીકારે તે ભગવાન થાય, ભૂલ જે કરે જ નહીં ભગવાન હોય, અને ભૂલ કરીને પણ ભૂલને ન સ્વીકારે એને હૈવાન કહેવાય, રાક્ષસ. ભૂલે કરે અને થોડુંક થોડુંક સ્વીકાર કરે, થોડુંક થોડુંક નહીં કરે એને માયાચારી માણસ કહેવાય. આ બધી ડેફિનેશન્સ યાદ રહેશે, આ બધી વ્યાખ્યાઓ યાદ રાખવાની, મગજમાં રાખવાની યાદ. નહીં, ઈલામે ના પાડે છે, નથી યાદ રાખવાનું. હા, એટલે ભૂલો થવા દેવાની. ભૂલો થતી હોય આપણાથી તો આપણા આપણી ભૂલો આપણને સહજ ભાવે સ્વીકારવામાં આવવા જોઈએ. આલોચનામાં શું હોય છે, પ્રતિક્રમણમાં શું હોય? હા, બસ એની વાત કરું છું. પ્રતિક્રમણમાં શું હોય અને આલોચનામાં શું હોય? હા, અમારા અન્નાજી જો, હા, જતા રહ્યા 24 કલાક માથે થયું. ઈ આમ ક્લાસમાં વક્તવ્યમાં કંઈક બોલતા હોય અને કંઈક એનાથી થોડુંક એને એમ લાગે કે આ આગમમાં નથી અને શાસ્ત્ર પદ્ધતિ એ બરોબર નથી, તો ઉતાવળમાં બોલાઈ ગયું હોય તો ઈ એમ કહે, ઈ જે હમણાં હું બોલ્યો ને એ બધું ભૂસી નાખો, એમ કહે. ઈ મગજમાંથી ભૂસી નાખો એ એમ કહે. પછી મારો એક મિત્ર હતો મારી સાથે, બહુ તોફાની હતો, એ કંઈક ડસ્ટર ક્યાં મજાકમાં લે, પણ એ અન્નાજી બહુ સરળ ભાવે કહે કે મગજમાંથી તમે ભૂસી નાખો, કાઢી નાખો. એટલે આ વાત યોગ્ય નથી. ટૂંકમાં જો ભાઈ, ભૂલનો સ્વીકાર હોવો જોઈએ. હા, દોષોનો સ્વીકાર, સાંભળો એક વાક્ય બોલું છું બહુ સરસ, દોષોનો સ્વીકાર હોવો એ સૌથી મોટો ગુણ કહેવાય. શું કીધું? દોષોનો સ્વીકાર તે સૌથી મોટો ગુણ કહેવાય. હા, ખ્યાલમાં આવે છે? એ દોષોનો સ્વીકારનો આપ સૌને ખબર જ હશે, એ મોક્ષમાં પ્રકાશક તો આપણે વાંચીએ છીએ, પણ તમારી પાસે ઓલી નીરવ નિર્જર છે ને સામાયિક પાઠ, નીરવ નિર્જર, શું નામ છે? નીરવ નિર્જર, બરોબર, કાઢો. એમાં જો નીરવ નિર્જરમાં શું છે ઝડપથી કાઢો, જો જીનેન્દ્ર રચના હોય તો, હા, ન હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, સાંભળો એક એક બે મિનિટ માટે છે. આ નથી અમદાવાદ નત લઈ ગયા. ચલો જો, નીરવ નિર્જરમાં કેવળ એ પંક્તિ હું આપ સૌને સંભળાવું, બહુ સરસ છે, બહુ આનંદ આવે, એ વારંવાર વિચારવાનું મન થાય. જો, છ નંબરનો છંદ છે જીનેન્દ્ર રચનામાં 249, 249 પાનો. મોક્ષ માર્ગ પ્રતિકૂળ પ્રવર્તન જો કુછ કિયા કશાયો સે, જો ભૂલોનો સ્વીકાર,
मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जाए सद्भावों से, मेरे सद्भावों से वे सारे के सारे जो मेरे गलत मार्ग के जो मैंने पाप किए हैं वे सारे के सारे मिट जाए। तो वो इसमें भी शब्द आया सद्भाव, सत्ता स्वरूप में भी शब्द आया है सद्भाव, ग्रहित मिथ्यात्व विभाव में से छूटा और सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति भाव के आंगन में आया, वो सद्भाव में आया। सद्भाव में जो आएगा उसे स्वभाव में जाने के अवसर है। सद्भाव में जो आया उसे स्वभाव में जाने के अवसर हैं। सद्भाव में भी जो नहीं आना चाहता है उसके लिए स्वभाव में जाने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। समझाए एटलू समझू, हाँ, विभाव सद्भाव अने स्वभाव। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे, मिट जाए सद्भावों से। बराबर देखो अपनी भूलों का स्वीकार। आठ नंबर का छंद देखिए आप, आठ नेक्स्ट। सत्य अहिंसा, इससे ऊपर का भी देखो आप। चतुर वेद विष वीक्षत करता त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। अपनी निंदा आत्म निंदा आत्म आलोचना उससे मैं अपने दोषों को शांत करता हूँ। देखो माँ जिनवाणी हमें आत्मनिंदा के लिए तो अवसर प्रदान करती है लेकिन पराई निंदा के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करती है। क्या कहा? पार की निंदा पाप, पार की निंदा ये नरक नक्की छे, अरे आत्मनिंदा ये अभ्युदय नक्की छे। आत्मनिंदा ये पोताना दोषोनो स्वीकार कर, पोतानी कमियों ने जो, खूबी ने जोई ने अभिमान नहीं कर। पोतानी खूबियों ने जोया करवो ये एक सौती मोटी कमी कहवाय। क्या कहा? अमे आवा अने अमे आवा, पोतानी खूबियों नहीं जवानू, अभिमान ना रवाड़े चढ़शू। बहुत सुंदर बात है, हमें आत्मश्लाघा में जीवन नहीं बिताना है, आत्मनिंदा पूर्वक दोषों का स्वीकार करना है। सत्य अहिंसा अधिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। आज सुबह मैंने अष्टपाहुड़ के आधार से एक बहुत मार्मिक बात कही थी, जो जो भी आप लोगों में से थे जानते हैं। संघ में रहे हुए विशेष श्रोता को तो चाहें और अन्य श्रावकों की निंदा करें, मतलब संघ में से कुछ शिष्यों को चाहें और कुछ शिष्यों के प्रति द्वेष करें, और जिन शिष्यों को चाहें उनमें स्त्री पर्याय वाले जीव हों, अर्जिका वगैरह, भाव पाहुड़ की बात मैंने कही थी। तो वहां पार्श्वस्थ मुनि का प्रसंग आता है, सदोष अवस्था है वो, सदोष अवस्था। तो उसके बारे में एक बात आती है, क्यों ऐसा? क्योंकि शील भंग का प्रसंग आया। ये मैं आज वहां कॉलेज में बैठा था तब ये बात माइंड में आ गई यार,
शील भंग का दोष आता है उसमें, ब्रह्मचर्य का घात का प्रसंग आता है। ये है वो शीलाचरण विलीन किया, ये वाला शीलाचरण विलीन किया, कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। सुनना ध्यान से मैं अब जो बोल रहा हूं, मुझ में पागलपन आया ऐसा स्वीकार करने वाला पागल नहीं होता है, और जो हकीकत में पागल होता है उसको अपने पागलपन का स्वीकार नहीं होता है। समझाए छे काय प्रकाश भाई, मोटा मोटा हां पाड़ो छो, बात समझाई छे? जे हकीकत में पागल हो ई क्यारे पागलपन नो स्वीकार नहीं करे। अने सज्जन शुद्धोपयोगी श्रमण तेओ एवो स्वीकार करे, सांभळजो, अरे रे भगवती आराधना नी वात करो छो, भगवती आराधना, अरे रे वीत रागी तीर्थं करो ना जिन मत ना समर्थन माटे मंडन माटे जे अमारी कलम चाले छे तेमा राग नो प्रसंग आवे छे। अने जिन धर्म ना समर्थन मा अन्य मत नु जे खंडन करवू पड़े छे, विधर्मीओनी मान्यताओनु जे खंडन करवू पड़े छे, अरे रे एमा अमने सूक्ष्म द्वेषनो प्रसंग आवे छे। बोलो आवो स्वीकार कोने थयो? ज्ञानी ने। एटले ज्ञानी महान छे। महान केम छे? केम के एने पोतानी प्रभुतानो पण स्वीकार छे अने पामरतानो पण स्वीकार छे। अने गांडा वेड़ा काढनारा अज्ञानी ने न ज्ञान नी खबर न अज्ञान नी खबर, न प्रभुतानो ख्याल न पामरतानो ख्याल। खरेखर तो वात एवी छे, पामरता ने साचा हृदय स्वीकारनारो प्रभुता ने प्रगट करे, केम के एनी दृष्टि प्रभुता ऊपर जाए 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 अने लाख वार जाए। पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया, कभी वासना की सरिता का गहन सलील मुझ पर छाया। गहन सलील एटले सुनामी, सलील एटले पानी, गहन सलील एटले आम राफड़ो तूटी पड़ो मारे ऊपर, धोध। जेम रात्रि भोजन नो त्याग नहीं होय ने, जेने एने रात्रे 11 वागे 12 वागे भूख लागे ने, खाऊं 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 थाय, शू खाऊं शू खाऊं शू खाऊं, रात्रि भोजन नो प्रतिज्ञा पूर्वक जेने त्याग न होय ने, पछी एनो काई नक्की न कहेवाय, एम कहू छू। ई भयंकर भूखी भूतावळ माथे दौड़े, अरे संयम मा रहो भाई, संयम मा मनुष्य भव विताशु तो संयमी साधकोनी संगति मळशे, अने जीवन संयममय मुनि भगवंतोने छाजे एवू बनशे। शिथिलतानो पार न मळे भाई, एवो स्वैर विहारी जीवन न होवो जोईए। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया वमन किया। मानस ने गुस्सो आवे त्यारे शू शू बके छे, शू शू बोले छे, विचार करो। हाँ केवा अपशब्दों बोले, एमा एमा काई न्याय नीति अने मर्यादा रहे छे? द्रव्य वचनों नी केवी विराधना करे, बोलो। ए माटे जो सांभळो, गाला गाली दे, अपशब्द दे, अपशब्द करे आपे, बीजानी निंदा नालस्ती करे, एमा ई जाने अनजाने द्रव्य श्रुतनी एवी विराधना करे, एवी विराधना करे,
काने एने द्रव्य श्रुतज नहीं पड़े, तत्व सांभळवा नहीं मळे। શું સમજાણું? હા, એટલે વાણીમાં સંયમ હોવો જોઈએ, જો સાંભળો હજી, વાણીમાં હિત મિત પ્રિયપણું હોવું જોઈએ। તો ભાષા સમિતિવાળા મુનિરાજોની વાણી કાને પડે ને? શું ન્યાય, ન્યાય શું કીધું મેં હમણાં? હા, આપણી ભાષામાં જો હિત મિત પ્રિય વાણી હશે તો ભાષા સમિતિ વાળા મુનિરાજોની વાણી કાને પડે ને આપણને? એટલે ગુરુદેવ શ્રી કહે છે કે ભાગ્યશાળી હોય તો એને કાને પડે એવી વાત છે। આ લોજિક લખી રાખજો ડાયરીમાં, ને મગજમાં। ભાષામાં હિતમિત, હા, ભાષામાં હિતમિત પ્રિયપણું ન હોય, મર્યાદા ન હોય, તો એને ભાષા સમિતિવંત તપોધનની વાણી ક્યાંથી સાંભળવા મળે? હા, ન સાંભળવા મળે ભાઈ, ન સાંભળવા મળે। એ અમે અમે અમસ્તે દિગંબર અને અમસ્તે દિગંબર એમ બધેથી ખાલી થઈ જાય, કાંઈ મળે નહીં એને। ઓમે દિગંબર અને આમે દિગંબર, ખાલી જ બધ, કાંઈ નહીં મળે એને। હા, જિંદગી જાય તો આમાં આમાં ભૂલોનો સ્વીકાર। હા, ઇસકે લીએ મેને પઢા આપ લોગોં કો, બહોત સુંદર વિષય હૈ। એક એક બાત જબ નિકાલતે હૈ તો ઇતના આનંદ આતા હૈ, ઇતની ગહેરાઈ, ઇતની મહિમા આતી હૈ। તો યહાં ટોડરમલજી સાહેબ ઉસી કો કહે રહે હૈ, ફિર એક બાર વહાં આઓ આપ લોગ, વ્યવહારાભાસી કી પ્રવૃત્તિ મેં ક્યા કહેતે હૈ દેખો। જે જીવો કુળ પ્રવૃત્તિ વડે દેખા દેખી લોભાદિકના અભિપ્રાય પૂર્વક ધર્મ સાધન કરે છે તેમને તો ધર્મ દ્રષ્ટિ જ નથી, ઉનકો તો ધર્મ દ્રષ્ટિ હી નહી હૈ। કારણ કે તેઓ જો ભક્તિ કરે છે, વે જો ભક્તિ કિયા કરતે હૈ તો ચિત્ત તો કહી હૈ, દ્રષ્ટિ ફર્યા કરે છે। દ્રષ્ટિ તો ક્યાંક હોય, ઓર મુખેથી પાઠ આદિ નમસ્કાર આદિ કરે છે। જો મન વચન કાય ત્રણે, ત્રણ રસ્તે, મન ક્યાંક ભમે છે, ચિત્ત ક્યાંક ભમે, દ્રષ્ટિ ક્યાંક હોય। દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય? કોણ આવ્યા અને કોણ ગયા, કોણ વેલા આવ્યા અને કોણ મોડા આવ્યા, એના ઉપર દ્રષ્ટિ હોય। મન તો ક્યાંક ઓર જ ફરે છે અને કાયાએ બધી ક્રિયાઓ થાય, મુખેથી પાઠાદિકવા નમસ્કારાદિ કરે, પરંતુ તે ઠીક નથી, ઓ ઠીક નહીં એ કહે રહે। ફિર ટોટમલજી દેવ ક્યાં કહે રહે, હું કોણ છું, કોની સ્તુતિ કરું છું, શું પ્રયોજન અર્થે સ્તુતિ કરું છું, અને પાઠનો શો અર્થ છે, એ આદિનું કાંઈ ભાન નથી। બોલો, અબ જૈન હૈ, ભક્તામર સ્તોત્ર કા પાઠ કર રહા હૈ, વિશાપહાર સ્તોત્ર કા પાઠ કર રહા હૈ, સમયસાર કી ગાથા સુન રહા હૈ, લેકિન મન એકાગ્ર નહીં, વચન કુછ કે કુછ બોલ રહા હૈ, કાયા સે ક્રિયા કુછ હો રહી હૈ, તો બોલો માયાચારી કર રહા હૈ કે નહીં? હા, ઉસકો બોલતે હૈ જૈની કા ગ્રહિત મિથ્યાત્વ। એ અંદર કી બીમારી હૈ, એ ઓર્ડિનરી ક્યા બોલતે હૈ ઉસકો, ડોક્ટર લોગ નિકાલતે ના એક્સરે, ये ऑर्डिनरी एक्सरे में नहीं आएगा वो, ये अंदर का ग्रहित मिथ्या तो ऑर्डिनरी एक्सरे में नहीं आएगा। इसके लिए तो केवल ज्ञान की सोनोग्राफी मशीन चाहिए। कौन सी? केवल ज्ञान की सोनोग्राफी मशीन चाहिए। चलो, हमारे पास तो सोनोग्राफी, वो केवल ज्ञान की सोनोग्राफी मशीन तो नहीं है, लेकिन भाव श्रुतक ज्ञान की तो है ना, इसके लिए तो हां बोलेंगे सभी। तो भाव श्रुतक ज्ञान की सोनोग्राफी मशीन में उसको देखना पड़ेगा, अपने आप की भूलों को हमें देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा अरे रे, हम तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सांभळो, हूँ आज एक हमारे कॉलेज में बनेली घटना, एक नानकड़ो दाखलो तमने आपो, सांभळो, थोड़ो डीप छे, ग्रामर नो छे। एक स्टूडेंटे गई काले एक બધું જોઈને લખવાનું હતું,
અપેક્ષિતમાં નવનીત ગાઈડમાં બધું જોઈને જ લખવાનું હતું, તોય મેં એનો એક માર્ક્સ કાપી નાખ્યો. બેન ઇલાબેન સાંભળજો, એક માર્ક્સ મેં કાપી નાખ્યો. એમાં એક પ્રશ્ન હતો કે પ્રભાશંકર પટનીએ ભાવનગરના કયા કરારને એમના પક્ષમાં ન્યાય અપાયો. એમ લંડન જઈને પ્રભાશંકર પટનીની બધી વાત આવી. ગુરુદેવશ્રી યાદ કરે છે ખબર, પ્રભાશંકર પટનીને યાદ કરે છે ઘણી વખત. તો એમાં એક જ શબ્દ લખવાનું હતું, બંદરી કરાર. શું શબ્દ લખવાનું હતું? બંદરી કરાર. બંદર કહેવાય ને, બંદરગાહ. તો એક સ્ટુડન્ટે બદરી કરાર લખેલો હતો. બદરી એટલે બની માથે ચાંદલો ભૂલાઈ ગયો હતો. મને કહે કે સર નહીં, એક માર્ક્સ નહીં, સૌ માંથી સૌ નહીં જ આવે. મેં કીધું તું હજી જો બોલીશ ને તો હજી બે માર્ક્સ કાપી નાખીશ. મેં કીધું બદરી કરાર નહીં, બંદરી કરાર. એ માત્રાની કિંમત નથી. હા એવું છે ભાઈ, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહા સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે આત્માર્થી જનએ. ખ્યાલમાં આવ્યું? પરફેક્ટ હોવો જોઈએ ન્યાય, વ્યાકરણ, સ્વાધ્યાય, અધ્યાત્મ. અને જો ભાઈ નિશાળના છોકરાઓને સ્કૂલ કે બચ્ચોં કે લીએ તો લૌકિક પઢાઈ કી બાત હૈ, યહાં તો અલૌકિક અભ્યાસ કી બાત હૈ. મોક્ષ માર્ગ મેં તો અલૌકિક અભ્યાસ કી બાત હૈ. તો અલૌકિક અભ્યાસ કે સંદર્ભ મેં જરા ભી શિથિલતા હમારી નહીં ચલેગી. નો એડજસ્ટમેન્ટ. ઇન્જેક્શન આમ મારવાનું કે અહીંયા મારવાનું? બોલો મેડમ, ઇન્જેક્શન અહીંયા કે અહીંયા? અહીંયા જ્યાં નસ હોય ત્યાં જ ને? ને ગમે ત્યાં મારીએ તો હાલે? નહીં હાલે. જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહા સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે આત્માર્થી જન એ. સમજાણો? ચલો હવે આપણે એમાં સત્તા સ્વરૂપમાં આપણે જે વિષય લઈએ છીએ થોડોક આગળ વધારીએ. દેખીએ સત્તા સ્વરૂપ મેં હમ આપ લોગોને અનાદિ અજ્ઞાન કે કારણ જીવ કુગુરુ કુદેવ કુધર્મ આદિ કે પ્રતિ સમર્પિત થા. બરાબર? અબ કાલ લબ્ધિ પકી, પુરુષાર્થ ઉસકા ઉછલા, ભવિતવ્ય ભી રાહ દેખ કરકે ખડા હૈ. અબ કિસકે પક્ષ મેં આયા હો? સચ્ચે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ કે પક્ષ મેં આયા. અબ બોલો, ઉસકા તન, ઉસકા મન, ઉસકા ધન, ઉસકી શક્તિ સબ કહાં ડાયવર્ટ હોગી? હા બોલો, દિગંબર ધર્મ પ્રત્યે કે સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે? પેન્ટાગોન વાળા તમને પૂછું છું. હા એ તો સાહેબ અમે ત્યારે માનતા હતા ત્યારની વાત, પણ ત્યાંથી હવે સન્માર્ગે આવ્યા બાદ બધી શક્તિ, બધી સંપત્તિ એટલે બધી સાધના, મન, વચન, કાય, યોગ, સમર્પણતા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ સેના પ્રત્યે કન્વર્ટ થાય? સાચા દેવ ગુરુ પ્રત્યે કન્વર્ટ થયા વિના ન જ રહે. હા યે હે દિશા. દિશા પલટ જાતી હૈ તો દશા પલટ જાતી. દિશા પલટના જરૂરી હૈ, દશા તો આપોઆપ પુરુષાર્થ સે પલટે વિના નહીં રહેગી. હા ધીમે ચાલો, ઝડપથી ચાલો, પણ ચાલો. થોડું સમજો, હા ઘણું સમજો, પણ સમજો. થોડું સમજો શૈલીબેન, એટલે તમારા જે ફ્રેન્ડ છે ને, જે લોકો દસ દસ બાર બાર વર્ષથી મથે છે, સેલ્યુટ ફોર ધેમ. મથે તો છે ને, હા મૂકી તો નથી દીધું ને, મથે તો છે ને. હા સ્વરાજ્ય હમારા જન્મસિદ્ધ અધિકાર હૈ ઓર હમ ઉસે પ્રાપ્ત કરકે હી રહેંગે. હા પણ સન્માર્ગે અસંશયા રુચિ. આહા રત્નગણ સાવકાચાર,
सन्मार्ग के प्रति हमें निसंशय रुचि होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, स्वप्न में भी हमें अश्रद्धा होनी नहीं चाहिए। भाषा समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है? देखो कितनी सुंदर बात इसमें लिखी है, कितनी मार्मिक बात है। देखो आप, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक चर्चा है। कहने का मतलब ये है मेरा कि विश्वास जो अन्य कुमत के प्रति, कुदेव के प्रति, उनके प्रति जो था, अब श्रद्धा वहाँ से पलट करके अब सन्मार्ग में आई, तो अब तो बस स्वरूप और स्वभाव समर्पणता, इसके अलावा और कोई वहाँ भावना नहीं होती है। तो ये मिथ्या और सम्यक का ये फर्क होता है। देखो आप, गणधर स्तवन में है, गौतम गणधर की भक्ति है। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। कहाँ थे ये गौतम गणधर? कौन से मत में, संप्रदाय में पैदा हुए? ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण। लेकिन जब भगवान की तरफ आए, समोशरण में आए, तो दिशा बदल गई। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। निश्चय भक्ति करी प्रभु की, भव का लिया किनारा। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। शिष्य 500 पाए इस गौरव में भरमाए। परमात्म प्रकाशमा आजे गई काले एक विषय आयो, अमारा आटला शिष्यो छे, अमारा आटला शिष्यो छे। अरे भाई साहब, शिष्यनो पण अभिमान करवा जेवो नथी। शिष्य 500 पाए इस गौरव में भरमाए। जिन शासन के तीव्र विरोधी, मोह महातम छाए। कहाँ छिपी थी महायोग्यता, क्या कहा? कहाँ छिपी थी महायोग्यता, जिसने किया उजारा। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भक्ति है। वीर प्रभु के समो शरण का, मान स्तंभ निहारा। मिथ्या मद गल गया तुम्हारा, विष दिगंबर धारा। देखो दिशा पलट गई, दशा कहां से आ गई? निर्ग्रंथ मुनि दशा आ गई। मिथ्या मद गल गया तुम्हारा, विष दिगंबर धारा। योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, हे गौतम गणधर आप कौन थे? योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, झेली जिन श्रुत धारा। अरे जिनेंद्र भगवान की श्रुत धारा को जिसने झेला, ऐसे गणधर भगवान सच में आप ही सच्चे शिष्य थे। भाषा समझाई छे बधाई ने? आ तत्व जेने अंदर मा गमे, ते खरेखर तीर्थंकर नो भक्त केवाय, महावीर भगवान नो शिष्य केवाय, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतो ना शिष्य केवाय। गमू जो ये अंदर, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, झेली जिन श्रुत धारा। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा,
पुरुषार्थ तुम्हारा। देखो महावीर स्वामी चले गए, अरे गणधर भी अब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। देखो कितनी सुंदर क्रांति, अद्भुत क्रांति। अनेकांतमय वस्तु बताई शादवाद के द्वारा। किसने? गणधर भगवान ने। अनेकांतमय वस्तु बताई श्यादवाद के द्वारा। वीर प्रभु जी मुक्ति पधारे तुमने केवल धारा। धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव जग में हुआ उजारा। धन्य धन्य हे गौतम गुरु पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। देखो दो घटना एक ही दिन, गुरु को मोक्ष और शिष्य को केवल ज्ञान। गुरु महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण और शिष्य गणधर का केवल ज्ञान। कल्याणक नहीं कहेंगे लेकिन केवल ज्ञान, इसको बोलते हैं दिशा परिवर्तन और दशा परिवर्तन। तो अनादि काल के ग्रहित, अग्रहित तो अनादि का है ही, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का भेष, ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कारों को तिलांजलि देकर के अब जब तीर्थंकर अरहंत भगवंतों की तरफ डाइवर्ट हुआ है, तन धन मन शक्ति उपयोग सारी की सारी श्रद्धा सच्चे देव शास गुरु के चरणों में अब समर्पित हो जाती है, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना। ये है इस प्रकरण का गजब का अर्थ। देखो मैं फिर एक बार पढ़ता हूं इस प्रकरण को, पेज नंबर है 10, 10 के ऊपर नीचे का पैराग्राफ है, नीचे का बड़ा पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं देखो आप, कितनी सुंदर बात है। वहां देव के कथन में तो देव संबंधी मिथ्या सद्भाव नहीं करता, देव के संदर्भ में गलत परिणाम नहीं करता, अन्य देव और जिन देव में समतारूप प्रवृत्ति नहीं रखता। ये समतारूप प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? कल भी मैंने कहा था आपको, समता मतलब समानता। विनय मिथ्यात्व नहीं करता फिर वहां, हाँ सच्चे देव को भी माने, विपरीत मिथ्या देव को भी माने, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि रागी और वीतरागी के बीच में अब वो भेद विज्ञान करना जानता है। जिन देव का स्वरूप और बाह्य रूप अन्यता नहीं कहता नहीं सुनता, और वीतराग देव की प्रतिमा का रूप सराग रूप नहीं करता। क्या कहा ये? हाँ वीतरागी को वीतरागी के रूप में ही वह स्वीकार, हाँ बस ये कुछ नहीं करता, वो आंगी बांगी उसमें नहीं मानता फिर वो। हाँ जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे वह जिन प्रतिमा नाही। बनासीदास जी, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे वह जिन प्रतिमा नाही। कितनी निखालसता होनी चाहिए, कितना निरंजन स्वीकार होना चाहिए। हाँ एक बात कहूं भानु बहन, वीतरागतानो स्वीकार पण वीतराग भावेज थई शके छे। क्या कहा? वीतराग भाव का स्वीकार भी वीतराग भाव से ही संभव है। ये आज के स्वाध्याय का क्लाइमेक्स समझना। आज के स्वाध्याय का ये सुपर डुपर हिट डायलॉग समझना। क्या कहा? गजपंथा, बोलो गजपंथा। वीतराग भाव की उपासना भी वीतराग भाव से ही संभव है। वीतरागता को तो कम से कम वीतरागता से समझो।
वीतरागता को तो कम से कम वीतरागता से हम आप लोग समझे। हाँ, बात समझ में आ रही है? ऐसा है भाई, पराकाष्ठा है पुरुषार्थ की। लौकिक में अतिशय रूप अन्यथा नहीं कहता। अरे क्या अतिशय है आप बताओ? हाँ, ये दुनिया में जो चमत्कार बमत्कार, आंखों में पानी की जल की धारा हो गई है और छत्र हिल रहा है, चामर हिल रहा है, क्या मतलब है उसका? अरे यहां नहीं हिला हुआ ध्रुव गायक खड़ा है, वो है चमत्कार। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्ध। हाँ? कोई चमत्कार बमत्कार में नहीं मानना अपने को। चैतन्य चमत्कार, चैतन्य चमत्कार। हाँ? ये है असल में। समझाई छे? हाँ? तत्वना घना बदा ज्ञान ना पढ़ मगज में बेसवा जोईए। हाँ? लौकिक में अतिशय रूप अन्यथा नहीं कहता। देखो, सच्चे देव लौकिक है कि अलौकिक है बताओ आप? क्या पूछा मैंने? सच्चे देव तो अलौकिक है ना, तो अलौकिक देव को समझने का अभिप्राय भी क्या होगा? अलौकिक होगा ना, कि नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो भगवान महावीर को भजना, प्रमोशन नहीं होगा नौकरी छूट जाएगी, प्रमोशन नहीं होगा नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि पाप भाव की है और उन पाप भावों का उदय में आ जाए तो बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। लौकिक प्रयोजन नहीं, अलौकिक प्रयोजन। हाँ, बराबर। तथा सच्चे देवादिक की प्रतिमा जी का अविनय होता हो वहां से बचा रहता है, अविनय नहीं होने देता, अवज्ञा नहीं होने देता। इसी प्रकार शास्त्र आदि का भी जानना, देव का उदाहरण देकर के समझाया है हमें, शास्त्र और गुरु के संदर्भ में समझना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवादि से संबंध छोड़ना ही, देखो अन्य देवादिक से संबंध छोड़ना ही ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना है। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, सुबह के जैसे ना आचार्य के समय सार की टीका में से जो मैंने आपको पढ़ के बताया था वहां से मैं पूछ रहा हूं आपको, जिन्होंने भी सुबह का स्वाध्याय सुना है आपको पता होना चाहिए। संबंधी वाली बात आई थी उसमें, ये हमारे संबंधी हैं, हम उनके संबंधी हैं। हाँ, 19, 20, 21, 22 चार गाथा समय सार। कुदेवादिक से तो संबंध छूट जाए, लेकिन घर परिवार वालों से संबंधी के संबंध नहीं छूटे, क्या वे अरहंत आदि की भक्ति कर सकता है? अरे कुदेव आदिक का तो संबंध छूटना ही चाहिए, लेकिन ये मेरे घर परिवार वाले, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, और ये मेरे वर राजा, और ये मेरी सुंदर पत्नी, और फलाना और ढिकना, ये जितने जो भी संबंध आसमान जाति मनुष्य व्यवहार के हैं, तब तक अरहंत आदिक की सचमुच में भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति तो उसे होती है जिसे भगवान बनना होता है, जिसे भव में ही अभी डोलना होता है उसे भक्ति नहीं होती है। समझ में आई बातें? तो ये वाली बात यहां पूरी हुई, ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना कुगुरु कुदेव आदि का। कल भी इसी प्रकार हम आप लोग, कल तो नहीं बल्कि सोमवार, हम आप लोग मोक्षमा प्रकाशक के आधार से थोड़ा सा विषय लेंगे, फिर इस विषय को आगे हम आप लोग बढ़ाएंगे। अभी का समय हो गया है, मैं यहाँ विराम लेता हूँ। सभी आप लोग हाथ जोड़ें माँ जिनवाणी की वंदना के लिए।
जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सुपावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो का लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।